माता मंदिर के घड़े का रहस्य। यूँ तो हमारे भारत में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और अंधविश्वास कर बैठते हैं, और दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। जहां कुछ लोग भगवान का आशीर्वाद होने वाला चमत्कार मानते हैं, तो वहीं कुछ अलग सोच वाले व्यक्ति इन चमत्कारों के पीछे वैज्ञानिक कारणों को तराशने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही चमत्कारों के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं बात करूंगी ऐसे घड़े की जिसमें कितना भी पानी डालो या घड़ा भरता नहीं है, सुनकर ही हैरानी होती होगी, लेकिन इस घड़े की क्षमता असीमित है। यह घटना है राजस्थान के पाली जिले की, जहां एक शीतला माता का मंदिर है और यह घड़ा उसी मंदिर में स्थित है। और इस घड़े की खास बात यह है, इस घड़े में कितना भी पानी डालो ये घड़ा भरता नहीं है, और यह एक या दो सालों से नहीं पिछले 800 सालों से होता आ रहा है। घड़े में अब तक लगभग 50 लाख लीटर पानी डाला जा चुका है, लेकिन यह घड़ा अब तक नहीं भरा। शीतला माता के मंदिर में बना यह घड़ा लगभग आधा फीट गहरा और इतना ही चौड़ा है। सप्तमी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा दोनों मौकों पर गांव की महिलाएं इस घड़े में हजारों लीटर पानी डालती हैं, लेकिन घड़ा नहीं भरता। भक्तों के दर्शन के लिए यह मंदिर सिर्फ दो बार खोला जाता है। पाली जिले के गांव का कहना है कि इस घड़े का पत्ता सिर्फ दो बार ही खोला जाता है। जब अंत में पुजारी प्रचलित मान्यता के तहत माता के चरणों से दूध लगाकर भोग चढ़ाता है, तो घड़ा पूरा भर जाता है। दूध का भोग लगाकर घड़े को बंद कर दिया जाता है। इन दोनों दिनों गाँव में मेला भी लगता है, जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। गाँव वालों की माने तो आज से 800 साल पूर्व भावा नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस के आतंक से ग्रामीण ही परेशान थे। ये राक्षस ब्राह्मणों के घर में जब भी किसी की शादी होती तो यह राक्षस दूल्हे को मार देता। तब ब्राह्मणों ने शीतला माता की तपस्या की। इसके बाद शीतला माता एक ब्राह्मण के सपने में आई। माँ ने कहा जब उसकी बेटी की शादी होगी तब वह राक्षस को मार देंगी। शादी के समय शीतला माता एक छोटी कन्या के रूप में वहाँ स्थित थी। वहाँ माता ने अपने घुटनों से राक्षस को दबोचकर उसका अंत कर दिया। इसी दौरान राक्षस ने शीतला माता से वरदान मांगा कि गर्मियों में उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसलिए साल में दो बार उसे पानी पिलाना होगा। शीतला माता ने उसे ये वरदान दे दिया और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है, इस घड़े को लेकर वैज्ञानिक स्तर पर कई स्रोत खोज चुके हैं, मगर भरने वाला पानी कहाँ जाता है इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मान्यता के अनुसार राक्षस इस घड़े का पानी पीता है, लेकिन सच क्या है इसका किसी को नहीं पता। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।